आज के हवा महल में आपको सुनवा रहे हैं प्रेमलता जैन की लिखी नाटिका चांद की किरण। अरे सुनती हो, कहाँ हो? अरे यहाँ तो कोई बोलता ही नहीं, लगता है सब कहीं गए हैं। नहीं नहीं गए नहीं होंगे, यहीं होंगे। अच्छा ठहरो मैं आवाज देता हूँ। सरलाक, ओ सरला। कौन है? मैं हूँ, दीवार खोलो। आती हूँ। क्या बहुत देर से पुकार रहे थे, मुझे सुनाई ही नहीं दिया। नहीं नहीं अभी ही आए हैं, तुम शायद अंदर वाले रूम में थी। हाँ मुन्ने को सुला रही थी। अच्छा छोड़ो, देखो तो ये देखो कौन है। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाई साहब। भाई वाह जी, नमस्ते नमस्ते तो हो गई, पर आपसी परिचय। परिचय करवाओ तो। तो लो सुनो, देखो ये है मेरा लंगोटिया यार प्रेमेंद्र। जब हम छोटे थे ना तो समझो एक प्राण और दो शरीर थे। पर भाभी जी इस प्राण को इस निर्मोही ने निकाल फेंका था। अच्छा? वो क्यों? क्योंकि मैं क्योंकि व्योंकि छोड़ है? क्या फिर झगड़ेगा? नहीं। और सरला क्या बाहर ही खड़ा रखोगी? अरे अरे मैं तो भूल ही गई थी। आइए आइए अंदर आइए। चल भाई अंदर चल। बैठिए भैया, आप भी बैठिए ना, मैं अभी आती हूँ। हाँ हाँ, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, जरा चाय वाय ले आऊँ। चाय का कष्ट मत कीजिए भाभी जी, बैठिए ना। अरे वाह, इसमें कष्ट भला कैसा, ये तो सौभाग्य है। और फिर आपको तो मुँह दिखाई भी देनी है ना। मुँह दिखाई? अच्छा अच्छा समझा, मैं पहली बार मिला हूँ आपसे। वाह क्या कहना है भाभी जी, आप तो बहुत बड़ी व्यंग्यकार हैं। आपने मुझे याद दिलाया कि मुझे मुँह दिखाई देनी है आपको। सुन लिया ना, ये प्रेमेंद्र भी कम नहीं। अच्छा सरला तुम बैठो, मैं बुलाता हूँ रामू को। रामू बाहर गया है, मैं 5 मिनट में आती हूँ, अधिक समय नहीं लगेगा। और सुना यार प्रेम, कामकाज कैसा चल रहा है? कामकाज कैसा यार, भाई मैं तो सरकार का फेथफुल सर्वेंट हूँ। हाँ हाँ। गुजारे के लायक उसी से मिल जाता है बस। अमा तुम सुनाओ क्या ठाट है? अपना भी ठीक ही चल रहा है भाई, जीवन गुजर ही रहा है। अच्छा तू एक बात बता। हाँ। तू वहाँ ऑफिस में क्या कर रहा था? भाई वहाँ एक लड़की काम करती है। हाँ हाँ। मिस मित्रा, उसी से मिलने गया था यही ना। देख प्रेम तेरी आदत बिल्कुल नहीं बदली, याद है ना इसी बात पे झगड़ा हुआ था। ओफ, रहा झक्की का झक्की। अबे पहले बात तो सुन ले पूरी। अच्छा सुना। अरे भले मानुस, पता है या नहीं परसों लोक नृत्य का कार्यक्रम है। हाँ, हाँ, वो तो पता है। तो भाई उससे और इस लड़की से क्या संबंध है? संबंध ही तो है, डांस प्रोग्राम के टिकट लेने गया था उसके पास। हाँ। और कहीं मिल ही नहीं रहे थे। अच्छा खैर छोड़। अरे सर चाय ले आई? हाँ चाय ले आई, देखो जरा वो टेबल पास कर देना। अच्छा लो ये लो। लीजिए चाय लीजिए। वाह भाभी जी, कुछ ही मिनटों में इतनी अच्छी अच्छी चीजें, लगता है आप बहुत सुखद गृहिणी हैं। अपने मित्र महोदय से जरा पूछिए, इनके दृष्टि में तो मैं बेस्ट हाउसवाइफ हूँ। क्यों बे कृष्ण, क्या ये बात ठीक है? ना यार छोड़ो भी, क्या बात ले बैठे, ले ले और खा ले, लेके खा। अरे नहीं। अबे और लेना। अमा बस बस कुछ नहीं, अब मैं जाऊंगा। जाएगा? हाँ। अबे इतनी जल्दी क्या है, कुछ देर और बैठ। नहीं नहीं कुछ काम है, अब तो मैं आता ही रहूंगा, परसों तो मिलेंगे ही। परसों? हाँ परसों। लीजिए भाभी जी। क्या है? परसों लोक नृत्य का शो है ना। हाँ, उसके हाँ। दो टिकट हैं ये। देख भाई प्रेम। हाँ। ये तो तूने अपने लिए खरीदे हैं ना, ये रहने दे, हमें जाना होगा तो हम और ले लेंगे। हाँ भाई साहब ये ठीक ही कह रहे हैं। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मियाँ बीबी और दो बच्चे, 4 टिकट लिए थे, बच्चे नहीं जाएंगे तो क्या होगा, वैसे 2 टिकट और मिल जाएंगे, लीजिए ना। और ये तो आपकी मुंह दिखाई है। क्यों नहीं क्यों नहीं, अबे टाल दे सस्ते में। अच्छा भाई सरला। हाँ हाँ। ये टिकट ले लो है? नहीं तो प्रेम बुरा मान जाएगा। और देखो वो रुपए ले आओ। रुपए? अबे कैसी बातें कर रहा है तू, क्या रुपए देने के लिए मैंने टिकट दिए हैं? वो तो मैं जानता हूँ भाई, पर भाई प्रेम मैं इस सिद्धांत में पूरा विश्वास रखता हूँ कि मित्रों के बीच रुपए पैसे का संबंध नहीं होना चाहिए, मित्रता की बाधा बन जाता है रुपया। जाओ सरला वो रुपए ले आओ। जी अच्छा। यार मन खराब कर दिया तूने, भला कभी प्यार भी पैसों से तोला जाता है? कितने मन से टिकट दिए थे मैंने। मैं जानता हूँ दोस्त, तेरी भावनाओं को मैं ठेस नहीं लगाना चाहता था, पर क्या, पर यही कि आज नहीं तो कल ये पैसा प्यार को तौल ही देता है। यार पैसा तो आदान प्रदान मांगता है ना। अच्छा खैर ये प्रसंग छोड़, आदरा गले तो लग जाए, कितने वर्षों के बाद मिला है। तू बिल्कुल वही है, पहले थप्पड़ फिर प्यार, पर इस बार क्या भाई साहब, लीजिए ये लीजिए रुपए। जैसी इच्छा भाभी। अच्छा तो मैं चलूं भाभी जी। नमस्ते भैया, कभी बच्चों वगैरह को लाइएगा। हाँ जरूर लाऊंगा भाभी जी। अच्छा कृष्ण। अच्छा अच्छा कुछ नहीं भाई, चल तुझे घर पर ड्रॉप कर दूं। नहीं नहीं मुझे अभी बाहर जाना है। तो वहीं से ही चल। ओह अच्छा चल, तू ही जीता मैं हारा।
अब सो गया, सोना तो जैसे चाहता ही नहीं। कौन नहीं सोना चाहता है? यही मुन्ना, सोने का नाम नहीं और सारे दिन उधर। मैं तो तंग आ जाती हूँ। तंग आ जाती हो? अरे भारतीय नारी का तो जीवन ही बच्चे हैं, वो तो कभी तंग नहीं आती। लो और सुनो, इसमें भला भारतीय नारी की क्या बात है? यही कि बच्चे तो भगवान की देन होते हैं और वो तो बच्चों को छाती से चिपकाए रहती है, सुख में दुख में। बस बस बस, मैं सब समझ गई। अच्छा एक काम करोगे? काम? अजी तुम कहो तो जान भी हाजिर है। बातें मत बना, सुनो। हाँ? गीता और महेश तो बड़े हो गए हैं, उनका तो अब सहारा ही है। मीना और बिट्टू भी स्कूल चले जाते हैं। हाँ हाँ, तो यही कि रमा और मुन्ना, उनमें से एक को तुम अपने साथ ऑफिस ले जाए। क्या कहा, ऑफिस ले जाए? तुम मुझ में तो अभी हिम्मत नहीं रही कि इतना बोझ संभाल सकूं। ऑफिस ले जाया करो, कमाल कर दिया तुमने सरला। अरे तुम अगर हिम्मत हारोगी तो ये बच्चे पलेंगे कैसे? मैं क्या जानू, तुम पालना, तुम भी तो बाप हो इनके। अच्छा भाई चलो, मैं ही पाल लूंगा, तुम खुश रहो। अच्छा अब तो सो जाओ, देखो सरला मुझे नींद आ रही है। तो सो जाओ ना, मैं क्या रोक रही हूँ तुम्हें, मुझे जब नींद आएगी मैं भी सो जाऊंगी। अच्छा अच्छा, गुड नाइट डार्लिंग। नहीं नहीं, सुनते हो? ओफो, क्या है? मुझे नींद नहीं आएगी। क्यों, क्या बात है जो नींद नहीं आएगी? चिंता हो रही है। कैसी चिंता? गीता और महेश की फीसें देनी है। तो दे देना। पर दूंगी कहाँ से, यही तो समस्या है। क्यों, रुपए तो उनके लिए अलग ही रखे थे ना। 50 रुपए टिकटों के जो दिलवा दिए, आप तो कुछ सोचते ही नहीं। भला क्या जरूरत थी टिकटों की? उफ, मेरा तो चिंता से बुरा हाल हो गया है, फीस देना भी बहुत जरूरी है। क्यों चिंता करती हूँ सरला, सब ठीक हो जाएगा। और फिर टिकटों के रुपए तो देने ही थे ना, तुम ही कहो भला मुफ्त में टिकट ले लेता। ओहो, तो मैं कब कहती हूँ कि मुफ्त में टिकट ले लेते, टिकट लिए ही क्यों? लिए ही क्यों, तो क्या मैं अपनी बेइज्जती करवा लेता? वो तो बच्चों के लिए टिकट ला सकता है और मैं तुम्हारे और अपने लिए दो टिकट नहीं ले सकता? हाँ हाँ, नहीं ले सकते, पहले घर का खर्चा तो पूरा हो फिर कहीं। फिर कुछ नहीं होगा सरला, तुम्हें तो घर चलाना आता ही नहीं। इतना रुपया कमाता हूँ पर न जाने तुम कहाँ फूंक देती हो। फूंक देती हूँ? नहीं नहीं, मैं खा लेती हूँ। वो कुछ तो करती ही हो सरला, प्रेम को ही देखो ना, मुझे कम वेतन मिलता है पर कितनी शांति है उसे, खर्च और शौक दोनों पूरे करता है। बीबी सुघड़ है इसीलिए ना। हाँ हाँ, मैं ही फूहड़ हूँ, ये नहीं सोचते कि उसकी गृहस्थी छोटी है, कुल 4 प्राणी और यहाँ इतना बड़ा परिवार, उसके लिए नौकर भी जरूरी, घर की चिंताओं ने तोड़ डाला है मुझे तो। आखिर पुरुष होना, पल्ले झाड़कर अलग हो गए और दोष मेरे मत्थे मर गया। अच्छा बाबा माफ करो, चलो दोष मेरा ही सही, अब सोने दो मुझे। साहब क्या है, बाहर कोई प्रवीण साहब आपसे मिलने आए हैं। अच्छा अच्छा, उन्हें शीघ्र अंदर भेज दो। अरे प्रेम, आओ 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 भाई आओ। है क्या, उसी से मिलने आए हो? हाँ कृष्ण, उसी से मिलने आया था और मिल भी लिया यार, मन आनंदित हो गया। हाँ हाँ हाँ, आनंदित क्यों नहीं होगा, बचपन की आदत जो है। अबे तो जलता क्यों है, उसने बड़े प्यार से 2 टिकट मेरे हाथ में थमाकर कहा। क्या कहा? आपको किसी भी समय किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो मुझे बताइए, आपके लिए काम करके मुझे आनंद मिलेगा। अच्छा अच्छा, बहुत ठीक बहुत ठीक, मेरा भी मन आनंदित हो गया। अच्छा बता भाई, शाम का क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम क्या, वही मिलेंगे? नहीं भाई सुन, शाम को मैं और सरला तुम्हें घर से पिकअप करते हुए शो में चलेंगे, तो ठीक है ना? हाँ हाँ, बहुत ठीक बहुत ठीक, भाभी जी का भी हमारे घर पदार्पण हो जाएगा। तो भाई बात पक्की है, ठीक 6:45 हम पहुंच रहे हैं तुम्हारे यहाँ। ओके ओके ओके, ठीक 6:45। हाँ भाई। अरे सरला, अरे कहाँ हो भाई, कहाँ चली गई? ओफो, देर ना हो जाए कहीं। रामू ये क्या है? जी चाय। अच्छा चाय को बाहर रख दो, और देखो मैम साहब को जल्दी भेजो। जी हाँ, मैं चाय पीता हूँ, तू जरा जल्दी कर। सरला, अरे ओ सरला, ओफो तुम अभी तक तैयार भी नहीं हुए, मैंने तो पहले ही फोन कर दिया था। तैयार होने में कौन से युग लगते हैं, पर मुझे तो तैयार होना ही नहीं है। क्या कहा, तैयार होना ही नहीं है, क्या कह रही हो तुम ये? ठीक कह रही हूँ, मैं नहीं जा सकती, मुन्ने को तेज बुखार है, रो रहा है, चुप ही नहीं होता, तुम ही बताओ ना मुन्ने को छोड़ो। मुन्ना मुन्ना, तुम्हारा सारा जीवन इसी में बीतेगा, मेरे साथ जाने को एक क्षण भी नहीं है तुम्हारे पास। कैसी बातें कर रहे हो जी, तुम्हारे लिए तो जीवन का हर क्षण प्रस्तुत है, परंतु देखो देखो सरला, परंतु कुछ नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना है, जाओ 10 मिनट में तैयार होकर चली आओ। तुम कुछ समझते क्यों नहीं, मैं अगर जा सकती तो क्या नहीं जाती,
मुन्ने को तेज बुखार में छोड़कर भला कैसे जाऊं? मुन्ने को तेज बुखार में छोड़कर कैसे जाऊं? ओफो, गीता थमा लेगी ना उसे। अभी डॉक्टर साहब को फोन कर देता हूँ, वो आके देख जाएंगे। आकर देख जाएंगे? फीस के लिए रुपए कहाँ से आएंगे? कल ही शाह बनकर 50 रुपए फूंक दिए। क्या कहा? फूंक दिए? हे भगवान, ये क्या जाहिल और गमार मेरे भाग में लिखी थी। पुन्ना, 20 रुपए जिंदगी दूभर हो गई है। अब तो मैं घर छोड़कर चला जाता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। घर छोड़कर चले जाओगे? तुम क्यों जाओगे, मैं ही चली जाती हूँ। अनपढ़ जाहिल कुंवार का तुम्हारे जैसे साहब के घर में भला क्या काम है? शादी से पहले मैं ही चांद की किरण और फूल से सुकुमारी थी ना। हाँ हाँ, ठीक ही बात है। तब तुम कुछ और ही थी, तुम तब मेरे साथ चांद तक जाने को तैयार रहती थी। और अब? हाँ, अब क्या हो गया है? अब क्या नहीं हुआ है? अब तुम्हें मेरे मान और सम्मान का भी कुछ ख्याल नहीं है। तुम ही बोलो, प्रेम क्या कहेगा, उसकी मिसेस क्या कहेंगी? अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम अपने बच्चों को लेकर बैठो, मुन्ने को सुलाओ, मैं जाता हूँ, फिर कभी नहीं आऊंगा इस नगर में। आओ आओ कृष्ण, हमें देर हो गई। हाँ देर हो गई। हाँ, भाभी जी कहाँ हैं? क्या गाड़ी में बैठी हैं? नहीं गाड़ी में नहीं, हाँ। घर में बैठी हैं। यार क्या बात है, झगड़ा करके आया क्या? अबे बात तो बता। बात बात कुछ नहीं भाई, हाँ। मुन्ने को बुखार था तो बस सरला नहीं आ सकी। अरे मुन्ने को बुखार है तो तू आया क्यों? अबे फोन कर देता। अजी सुनती हो? क्या है? नमस्ते भाई साहब, भाभी जी कहाँ है? वो नहीं आ सकी है, छोटा बच्चा बीमार है। हैं? भाई साहब तो आपने फोन कर दिया होता, हम वहाँ आ जाते, प्रोग्राम कैंसिल हो जाता। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, पहले नमस्ते तो स्वीकार कीजिए। भाई वाह प्रेम, तू तो सदैव भाग्यवान रहा है, भाभी जी प्रशंसा के योग्य हैं। कौन भाग्यवान है ये तू अच्छी तरह जानता है। कमला से अधिक सुंदर गुणवती पढ़ी लिखी हमारी भाभी जी, ऊंचे पद की नौकरी, सुंदर बच्चे, अमा किस वस्तु का भाव है तुम्हें? ये बातें तो फिर होती रहेंगी, चलिए घर चलिए, बेचारी भाभी जी अकेली परेशान हो रही होंगी। प्रोग्राम का क्या, वो तो होते ही रहते हैं। नहीं नहीं, ये आप लोग क्या कह रहे हैं, जाने का प्रोग्राम तो कैंसिल नहीं ही होगा, चिंता की कोई बात नहीं है, सरला सब संभाल लेती है। सब संभाल लेती है ये बात अलग है, पर तुम्हें तो हर कार्य में उनका साथ देना चाहिए। ये ठीक कह रहे हैं भाई साहब, पति के पूर्ण सहयोग के बिना पत्नी टूट जाती है, उसका हृदय टूट जाता है। ये सब ठीक है, मैं सब समझता हूँ, पर क्या करूँ, हर रोज का काम, बीमारी, पैसे की चिंता, ये सब मिलकर दिमाग खराब कर देते हैं। दिमाग तो खराब हो गए, पर भाई मेरे ये सब तो पहले सोचने की बातें थी, अब इसका उपाय क्या है? जितने परिवार के प्राणी अधिक होंगे उतनी अधिक परेशानियाँ, झगड़ा और खर्चा पड़ेगा। पर इसका उपाय भी तो होगा प्रेम। उपाय यही कि सब समस्याओं का समाधान आपसी सहयोग ही है, दोनों कंधे से कंधा मिलाकर बढ़िए, एक दूसरे को दोषी न मानकर कर्तव्य और भावना में सामंजस्य रखिए। हाँ दोस्त, ये ठीक कह रही हैं, जीवन में बैलेंस होना चाहिए, दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए। कहता तो तू ठीक है, हाँ। वास्तव में मैं पलायन वृत्ति को अपनाता जा रहा था, और यही विषाद का मूल कारण है। अच्छा चल भाभी जी के पास चले। नहीं नहीं चलो, हाँ। तुम सबको शो में ड्रॉप करके मैं घर जाऊंगा, अपनी सरला के पास। बहुत ठीक, यही है सामंजस्य की भावना, पति और पत्नी का पूर्ण सहयोग। तो ये थी नाटिका चांद की किरण, लेखिका प्रेमलता जैन, निर्देशन किया जनार्दन राय ने। आकाशवाणी के पटना केंद्र की प्रस्तुति अभी आपने सुनी।